बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक उन्वान है टाइप्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लासेस, यानी सबॉर्डिनेट मातहत क्लास के अकसाम। मातहत क्लास के अकसाम जो है तीन किस्म के है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। ये मातहत क्लासेस के अकसाम हैं। अब हमारा आज का टॉपिक जो है वो नाउन क्लास है। आज हम नाउन क्लास के बारे में बात करेंगे कि कौन सी खसूसियात है जिसके ज़रिए नाउन क्लास को जुमले में पहचाना जाता है। तो सबसे पहले चीफ कंजंक्शंस, नाउन क्लास के कंजंक्शन पर ज़रगौर होना चाहिए कि कौन से कंजंक्शन है जिससे नाउन क्लास शुरू होता है। तो ये कंजंक्शन जो है डेट, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन और वेदर। तो इन कंजंक्शंस के बाद जो क्लास आएगा जुमले में तो वो नाउन क्लास होगा। लेकिन इसकी कुछ शुरूत है, क्योंकि हु, वेयर और व्हेन ये वो कंजंक्शन है कि बाज़ औक़ात इनसे एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास भी शुरू होते हैं। लेकिन जब कुछ आहिदा तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए तो फिर वो क्लास जो है वो नाउन क्लास बन जाता है। तो इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि अगर इन कंजंक्शन से पहले जुमले में प्रीपोजिशन आएगा और प्रीपोजिशन के बाद इन कंजंक्शन से जो क्लास शुरू होगा तो नाउन क्लास होगा। इस बात को ज़रा गौर से सुनना होगा कि ये कंजंक्शन जो है इनसे पहले अगर जुमले में प्रीपोजिशन होगा और फिर इस कंजंक्शन के बाद जो क्लास आएगा वो नाउन क्लास होगा। मिसाल के तौर पर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट, प्रीपोजिशन कंजंक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक ये हुआ नाउन क्लास। आई एम वरी अबाउट वेयर ही हैज़ गॉन, आई एम वरी अबाउट प्रीपोजिशन वेयर ही हैज़ गॉन, वेयर हेयर इज प्रीसीडेड बाय प्रीपोजिशन अबाउट। तो यहाँ वेयर ये जो है कंजंक्शन है, इससे पहले ये अबाउट जो है ये प्रीपोजिशन है। तो ये प्रीपोजिशन के बाद ये क्लास जो शुरू होता है ये नाउन क्लास है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम, यहाँ भी व्हेन जो है इससे पहले प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर व्हेन से शुरू होकर यहाँ तक ये नाउन क्लास हो। डोंट लेट अस वरी अबाउट वेदर ही विल बी इन टाइम, यहाँ वेदर से पहले ये प्रीपोजिशन अबाउट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नाउन क्लास हुआ। अभी इसके अलावा अदर क्वालिटीज ऑफ नाउन क्लास, यानी इन खवास के अलावा दूसरे खवास जो है उनके बारे में कुछ हम बताएंगे कि वो कौन से खवास है जिस के ज़रिए हम नाउन क्लास को जुमले में पहचान सकेंगे। तो सबसे पहले आफ्टर फाइनाइट वर्ब, यानी फाइनाइट वर्ब के बाद जो कंजंक्शन आएगा उसके बाद जो क्लास आएगा वो नाउन क्लास होगा। मिसाल के तौर पर आई सेड, ये सेड जो है ये फाइनाइट वर्ब है, इसके बाद कंजंक्शन आए तो ये कंजंक्शन से लेकर यहाँ तक ये हुआ नाउन क्लास। आई सेड दैट आई कुडंट हेल्प हिम। आफ्टर इन्फिनेटिव, अगर जुमले में इन्फिनेटिव पाया जाए उस इन्फिनेटिव के बाद जो कंजंक्शन आएगा और उस कंजंक्शन के बाद जो क्लास आएगा वो नाउन क्लास होगा। मिसाल के तौर पर ही वांट्स टू नो, ही वांट्स ये फाइनाइट वर्ब, टू नो इन्फिनेटिव, हु हियर इज प्रीसीडेड बाय इन्फिनेटिव, केम फर्स्ट, तो ये हुआ नाउन क्लास। यानी वो क्लास जो इन्फिनेटिव के बाद जो कंजंक्शन आएगा उससे जो क्लास शुरू होगा वो नाउन क्लास होगा। आफ्टर पार्टिसिपल, ही वेंट अवे सेइंग दैट ही वुड नॉट कम बैक, सेइंग ये हुआ पार्टिसिपल, इसके बाद ये कंजंक्शन है दैट। तो पार्टिसिपल के बाद जो कंजंक्शन आएगा उसके बाद जो क्लास होगा वो नाउन क्लास होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये हुआ नाउन क्लास। प्रीपोजिशन, यहाँ हमने ये बताया कि प्रीपोजिशन के बाद जो कंजंक्शन आएगा वो क्लास नाउन क्लास होगा। यहाँ भी वो तरीका है प्रीपोजिशन,
ही डजंट बिलीव इन व्हाट आई से, इन व्हाट आई से। तो ये प्रीपोजिशन से यहाँ तक ये हुआ नाउन क्लास। इनकम्प्लीट वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब जो है एम आर इज वगैरह, ये इसको इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। तो इसके बाद जो क्लास आएगा यानी इनकम्प्लीट वर्ब के बाद जो क्लास आएगा तो वो नाउन क्लास होगी। मिसाल के तौर पर द फैक्ट इज, ये इज जो है ये इनकम्प्लीट वर्ब है, इसके बाद ये दैट लगा हुआ है तो इससे यहाँ तक ये हुआ नाउन क्लास। द फैक्ट इज दैट ही इज अनेस्ट। इसके अलावा दिस इट द फैक्ट, ये फैक्ट वाली मिसाल तो हमने इधर बयान की है। दिस इट, इसके बाद जो कंजंक्शन आएगा तो उस कंजंक्शन के बाद जो क्लास आएगा वो होगा नाउन क्लास। मिसाल के तौर पर यू कैन डिपेंड ऑन इट दैट ही वुडंट बी प्लीज्ड, यू कैन डिपेंड ऑन इट, इट फॉरवर्ड बाय दैट, ये कंजंक्शन जो है ये इसके बाद ये क्लास जो है ये नाउन क्लास होगा क्योंकि ये इट के बाद लगाया गया है। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। तो इसके अलावा नाउन क्लास जो है ये सब्जेक्ट तौर भी इस्तेमाल होता है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जब ये जुमले के पहले हिस्से में लगा दिया जाता है तो ये सब्जेक्ट होता है और जब आखिर में आता है तो फिर ये ऑब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो, व्हाट के बाद यानी इनकम्प्लीट वर्ब के बाद ये कंजंक्शन है व्हाट आई वांट टू नो, ये हुआ ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्लास जो है ये इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। व्हाट आई वांट इज ए कप ऑफ टी, सब्जेक्ट ये क्लास ये पहले आया है तो यहाँ इस जुमले में ये नाउन क्लास जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो कभी ये सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल है।